अस्सलाम वालेकुम, BTS न्यूज में आपका खैर मकदम है। हर पल की खबर आप तक। देखिए, ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की ताईद की, वो NDA का हिस्सा रही। गुजरात में इतना बड़ा फसाद हुआ, अब ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं तो ममता बनर्जी को अब तक साबिका पड़ा है मीर जाफर और मीर सादिक से। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। अगर वो ये कह रही हैं दौलत मिली है, तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इनका ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी हैं। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। इतने लोग उनके BJP में जा रहे हैं, वो उसकी फिक्र करे। और ममता बनर्जी को हम एक अनसॉलिसिटेड सजेशन देना चाह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से BJP से मुकाबला किया पार्लियामेंट के चुनाव में, तो 17 BJP जीत गए, हम तो थे भी नहीं वहां पर। और दूसरा, ममता बनर्जी ने बिहार के वोटर्स को उनकी बेइज्जती की है ये कहकर कि इनको कामयाबी मिली बिहार में। तो जो लोग हमको वोट दिए ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस को, जिसमें राजभर साहब की पार्टी, हमारी पार्टी, कुशवाहा साहब की पार्टी, BSP थी, ये तो उनकी तौहीन कर रही हैं। इसी के साथ ही हमारा खबरनामा इख्तिताम पर पहुंचता है। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए BTS न्यूज़ पर। अल्लाह हाफिज़।